आज तो किस्मत बड़ी अच्छी मिल गई, कोई है ही नहीं रोड पे। एंड ये है बहुत ही आइकॉनिक एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स, द अक्षरधाम टेम्पल। सो गाइस मैगी हम लोगों को मिल गई है, पॉलिथीन लोगों के पास थी नहीं, इसलिए मैं हाथ में लेके जा रहा हूँ, काफी अजीब तो लग रहा है। सो गाइस हम लोग अभी वापस जा रहे हैं गाजियाबाद एंड अभी हम लोग हैं हिंडन एलिवेटेड रोड पर। हेलो गाइस, आई एम वेलकम टू माय चैनल अर्पित है। आज की वीडियो में शार्ट करने बेसिकली ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने मामा के यहाँ। मैं दिल्ली विजिट कर रहा हूँ 4-5 महीने के बाद, क्योंकि मेरा कॉलेज दिल्ली में था जो कि कोरोना वायरस की वजह से बंद हो चुका है। एंड बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा यूज कर दिया था, उसके लिए सॉरी। जब मैंने खुद देखा तो मुझे खुद रियलाइज हुआ, उस वक्त मुझे पता नहीं चला था मैं कितना बेसिकली यूज कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, आपको काफी मजा आएगा आई होप सो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दिल्ली जाने से पहले सबसे पहले हम लोग करना है बेसिकली ब्रेकफास्ट, बेसिकली मैं फिर से यूज कर रहा हूँ काफी बार। सो गाइस दिल्ली जाने से पहले करना हम लोग को ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में खाने का मन कर रहा है मेरा मैगी। सो गाइस मैगी घर पे नहीं थी मुझे अभी पता चला, एंड सबसे पहले चलते हैं मैगी लेने के लिए सोसाइटी वाली शॉप पे, तब तक के लिए लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी वाली शॉप पे मैगी खरीदने, क्योंकि नाश्ते में आज मन कर रहा है मैगी खाने का। एंड इतनी तेज धूप हो रही है, आग भी नहीं खुल रही, मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको, ये देखो। तो गाइस मैगी खरीदने आए थे यहाँ पे, शॉप मिल गई देखो हमें बंद, अब पता नहीं क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा भूख तो लग रही है, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं पहले मैगी खरीदने, एंड अभी ब्रेकफास्ट में मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, काफ़ी दिनों से खाई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, पहले वाली शॉप थी बंद जैसे मैंने अभी दिखाया था। एंड अब हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी के बाहर वाली शॉप पे, तो मैंने लगा लिया यहाँ पे मास्क। एंड अभी यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है, मेरी आँखें भी ढंग से खुल नहीं पा रही, देखो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे, लेकिन क्या करें खाने के लिए सब करना पड़ता है। तो चलिए शॉप पर पहुँच के बात करता हूँ। कोई नहीं आ रहा, कर लेते जल्दी से क्रॉस। आज तो किस्मत बड़ी अच्छी मिल गई, कोई है ही नहीं रोड पे। सो गाइस देखिए ये है वो शॉप जहाँ से हम लोग खरीदने वाले हैं अभी मैगी, एंड थैंक गॉड ये अभी खुली हुई है। सो गाइस मैगी हम लोगों को मिल गई है, पॉलिथीन लोगों के पास थी नहीं, इसलिए मैं हाथ में लेके जा रहा हूँ, काफ़ी अजीब तो लग रहा है, बड़े शर्म से आ रही रोड पे से ऐसी ले जाते हुए, लेकिन सही है, चलो अच्छा है, मिल तो गई, अब एक अच्छा ब्रेकफास्ट होगा, फिर हम लोग चलते हैं सीधा दिल्ली। सो गाइस देखिए मम्मा ने फाइनली मैगी हमारे लिए बना दी है, एंड मैगी में काफ़ी ज़्यादा वेजीज चल रही हैं, मुझे ऑल दो वेजीज वाली मैगी पसंद उतनी नहीं है, लेकिन इसमें वेजीज का टेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए मुझे फिर भी अच्छी लग रही है। सो गाइस मैगी बनाकर खा ली है, एंड फाइनली अब मैं थोड़ा रेडी वेडी हो जाता हूँ जाने के लिए। एंड मेरी इससे बहुत ज़्यादा खराब हालत हो रही है, थोड़ी देर पहले ही मैं सुबह उठा था, एंड 3 तक की गिनती में मैं जाऊँगा रेडी, 1 2 3। सो गाइस मैं हो गया हूँ फाइनली रेडी, एंड मतलब रेडी होकर थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। एंड हम लोग जा रहे हैं फाइनली दिल्ली के लिए निकलते हैं, तो हम लोग जाएंगे दिल्ली बाय राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, जिसे हिंडन एलिवेटेड फ्लाईओवर भी कहते हैं, तो मैं आपको सारी क्लिप्स दिखाऊंगा, सो लेट्स गो। A few moments later. So guys, 4 महीने बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, हम लोग हैं अभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पे, एंड सामने आप लोग के अक्षरधाम टेम्पल, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। एंड ये है सीपी कनॉट प्लेस, इसको कौन नहीं जानता, ये है इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट, एंड अभी हमसे 5 मिनट्स दूर हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से। सो हियर इट इज फाइनली रीच्ड। सो वेलकम गाइज, एंड मैं पहुंच गया हूँ अभी दिल्ली, एंड रेलवे ऑफिस कॉलोनी में ये है 7th फ्लोर का फ्लैट, एंड मैं भी 7th फ्लोर पर खड़ा हूँ, तो पीछे दिल्ली का व्यू काफी अच्छा आता है,
मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा दूंगा सब चीज़ें। एंड दिल्ली पहुँचने काफ़ी अच्छा लग रहा है, सीपी भी थोड़ा घूमे थे, मतलब ऐसे ही मतलब गाड़ी से देखा तो काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने वो फ्लिप कैफे भी देखा था, हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई थी कॉलेज में आने के बाद, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिनर करके जाएंगे रात को, एंड आपको रात को भी कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा। एंड फिलहाल मैं आपको कुछ यहाँ से चीज़ें दिखा सकता हूँ जो मुझे पता है, मतलब जैसे जामा मस्जिद हो गया, आपका NDLS हो गया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, तो बाकी सब चीज़ें ये सब हैं यहाँ पे। सो गाइस देखते चलो। सो गाइस ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मतलब ये जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉरिजॉन्टली फैली हुई है, ये है आपका NDLS यानी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब ये मॉस्क टाइप, ये है आपका जामा मस्जिद। तो यहाँ से ओल्ड दिल्ली के काफ़ी मतलब मॉन्यूमेंट्स, अगर आप कह लो मतलब जो जो मॉन्यूमेंट मेन है वो दिख सकते हैं। रेड फोर्ट आपको नहीं दिख पा रहा है यहाँ से, बल्कि इतना दूर नहीं है वो, यहाँ से दिख सकता है, लेकिन वो रेड फोर्ट क्या है उसकी मतलब हाइट उतनी नहीं है, लेकिन वो एक तरह से जामा मस्जिद के पीछे ही है वैसे, वो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन तो वो जामा मस्जिद हो गई एंड ये NDLS, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ये देखिए जूम आउट करके दिखाता है फ्रेंड, तो यहाँ से दिल्ली का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। एंड आपका CP पड़ेगा उस साइड, एंड वो NDLS उधर, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, चांदनी चौक पड़ेगा उधर की साइड, जामा मस्जिद के जस्ट लेफ्ट में। तो काफ़ी ये सब चीज़ें देख के अच्छी लग रही हैं, एंड यहाँ पे वापस विजिट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर एक साल बाद आया हूँ, मतलब दिल्ली में एक साल बाद नहीं आया, लेकिन मामा के यहाँ में एक साल बाद आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस इस 7-story बिल्डिंग के टॉप से मतलब जो नाइट व्यू होता है दिल्ली का वो भी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि अभी अप्रॉक्स 8:30 हो रहा है एंड हम लोग डिनर करके मोस्ट प्रोबेबली निकलने वाले हैं फाइनली। एंड वो देखिए वो जो आप दो पिलर्स देख रहे हैं वो जामा मस्जिद के पिलर्स हैं, एंड ईद भी है आज, इसलिए काफ़ी मतलब अच्छे लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा है, एंड काफ़ी यहाँ पे मतलब अच्छा व्यू आ रहा है, एंड काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब ठंडी हवा चल रही है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग डिनर करके यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली निकलने वाले हैं वापस अपने घर यानी कि गाज़ियाबाद के लिए, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखते रहना, आई होप आप लोग को ब्लॉग अब तक अच्छा लगा होगा। सो गाइस हम लोग फाइनली गाज़ियाबाद जा रहे हैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया एंड अभी डिजर्ट में आइसक्रीम खाई है लास्ट टाइम। सो गाइस हम लोग निकलने वाले हैं, मैं जाने की भी कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा आप लोगों को, एंड अभी बजा है रात के 10 एंड वी आर फाइनली गोइंग टू गाज़ियाबाद। चले जो ये रास्ते जाने फिर मिलेगा, ये तेरी मेरी मंजिल है जो जुड़ गए हम तो उड़ गए। सो गाइस अभी हम लोग हैं हिंडन एलिवेटेड रोड पे, जो कि डायरेक्ट गाज़ियाबाद टू दिल्ली कनेक्ट करता है। ये 10 किलोमीटर लंबा है एंड इसे क्रॉस करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, यानी कि गाज़ियाबाद टू दिल्ली इन जस्ट 20 मिनट्स। थोड़े से क्रेजी तुम हो, थोड़े क्रेजी हम भी तो है, थोड़ी सी खुशी में भी थोड़ा थोड़ा गम भी तो है, ये तो जरूरी नहीं हर बंदा एक जैसा ही हो, बेपरवाही ले तू जहाँ। सो गाइस इट्स 11:10 इन द नाइट एंड वी आर फाइनली बैक होम, गाज़ियाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं एंड लिटरली वी आर डैम टायर्ड, मेरे पापा भी बहुत थके हुए हैं, एंड मैं रोज 2 बजे सोने जाता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ 12 बजे सो लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, एंड क्योंकि दोपहर से हम लोग बाहर गए हुए थे एंड मतलब ट्रैवल करा काफ़ी ज़्यादा, फिर वहाँ पर रुके एंड फिर वापस आए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो चुके हैं। एंड एक और आपको बात बताऊँ तो आते वक्त हमारी जो हेडलाइट होती है कार की, स्विफ्ट डिज़ायर की जो हेडलाइट थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, तो ड्राइविंग भी मेरे पापा को काफ़ी संभल के करनी पड़ी, एंड उस इसलिए हम थोड़ा ऑल लेट हो गए। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, इस तरह के एंटरटेनिंग ब्लॉग्स आगे आते रहेंगे। एंड मैं पढ़ाई की वीडियोज़ बनाता हूँ क्लास 11th और 12th के लिए, JEE वाले बच्चों के लिए, तब तक के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।